ये प्रदीप एक परिवार के अंदर जिस प्रकार की उन्होंने बात बताई है, एक बहुत ही साहसी और मजबूत जवान था। एक ऑपरेशन में आतंकवादियों से लड़ते हुए वो देश के काम आया है। हमें तो दुख है, परिवार को भी दुख है। परमपिता परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, जो परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो दुख लगा है उसको सहन करने की शक्ति दे। क्योंकि ये जवान प्रदीप नैन इस भारत भूमि की रक्षा करते हुए उसने अपनी कुर्बानी दी है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको इस प्रकार की कुर्बानी जो इस भारत माँ के रक्षा के लिए देते हैं, और सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। और मुझे भी दुख है कि इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि अकेला ही बेटा परिवार में था। और क्योंकि बहुत सारी स्थितियां इस प्रकार की होती है कि प्रदीप जी आज इस देश के काम आए हैं, मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिए, वो हमने पीछे घोषणा की थी 1 करोड़ रुपया परिवार को देने की बात कही थी। और क्योंकि जो शहीद जो इस देश के नाम जिन्होंने अपनी जान दी है, जो कुर्बान हुए हैं, सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी। गांव के लोगों ने स्टेडियम बनाने की भी मांग की है। जो उन्होंने मांग पत्र दिया है।